या भाई इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में दो दो शेर। पवन सहरावत और प्रदीप नरवाल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हाई फ्लायर, रिकॉर्ड ब्रेकर, वॉर ऑफ द स्टार्स इज अबाउट टू बिगिन। कमाल की बात यह है कि पवन सहरावत जिस मैट पर खड़े हैं उस मैट पर वो कभी इसी टीम के लिए खेला करते थे, अब नहीं खेलते। जैसे ही मैट पर आए तो आवाज इतनी हुई कि यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई। भाई साहब, पहली बात, आपकी भिड़ंत शुरू हुई आप दोनों की सीजन 6 में, ठीक है। क्या आपके हिसाब से आप प्रदीप नरवाल से बेहतर रेडर बनने के पथ पर निकल चुके हैं? जर्नी शुरू हो गई? नहीं नहीं, कोई ऐसी जंग नहीं है प्रदीप के साथ। प्रदीप अच्छा ही है, मैं मानता हूं। एक सेकंड, तो अपने आप से जंग है क्या? खुद से ही जंग है, अपने आप को ही अपने और ज्यादा डेवलप करना है। प्रदीप से कोई जंग नहीं है। हमारे सामने संत तो पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही साथ में प्रदीप आपसे पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि पवन सहरावत आपके सबसे बड़े चैलेंजर हैं और आपके ताज का अगर कोई कोई ले सकता है तो वो है पवन सहरावत? हाँ, देखो अच्छा रेडर है, मतलब जो भी काम करता है दिल से करता है, तो मतलब जब भी मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है। मतलब चैलेंज है टू, मतलब मैं मानता हूँ कि हो सकता है तोड़ भी सकता है। आप दोनों तो कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पवन, अब देखिए, एक रिकॉर्ड है प्रदीप का जो आप तोड़ चुके हैं, एक ही मैच में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट का, उनके 34 है, आपके 39 है। प्रदीप वो मैच देख रहे थे, मुझे याद है। ऐसा कौन सा स्किल या और कौन सा रिकॉर्ड है प्रदीप का जो आप हाथ जोड़ के प्रदीप से कहेंगे ये मुझे कर लेने दो, अभी अभी मुझे दे दो ये? ऐसा रिकॉर्ड के लिए तो नहीं है, पर प्रदीप का जो मोटिवेशन है, जो प्रदीप जिस तरीके से खेलता है, 4 टैकल हो जाए, 5 टैकल हो जाए, उसके बाद सेम माइंड सेट से खेलता है, मुझे वो माइंड सेट चाहिए प्रदीप। माइंड ब्लोइंग, डुबकी नहीं बोल रहे पवन, माइंड सेट बोल रहे। और डुबकी? डुबकी तो भाई इसी की है, मैं इससे कैसे ले सकता हूँ। वाह वाह वाह। या बिल्कुल, प्रदीप नरवाल और उनकी डुबकी जिस पर उन्होंने अपनी छाप लगा रखी है, और जितने भी लोग हैं जो ये डुबकी लगाते हैं वो पवन, वो प्रदीप की तरह ही डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं। कैसा लगता है? आप ये जानते हैं कि पवन आपको चैलेंज करते आए हैं इतने सालों से और आपकी स्किल सेट्स जो है अपनी तरफ बनाते हैं, आपके आप इनकी कौन सी स्किल सेट लेना चाहेंगे? इसी स्किल यही है कि मतलब ऊपर जंप लेने की स्किल अच्छी है इसकी, बोनस साथ में बोनस भी अच्छी मारता है। मतलब एक ऊंची छलांग जितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं। प्रदीप कह रहे हैं कि बहुत हुआ जमीन से जुड़े हुए रहना यार, हम भी उड़ना है। पवन ये बताइए, भयंकर प्रेशर में है आपकी टीम, जीत की जरूरत है, सामने सुमित नितेश है कॉर्नर्स पे, आप कुछ सपोर्ट मिलने वाला है कि नहीं रेडिंग डिपार्टमेंट में? मिलने वाला है, ऐसी बात नहीं है। देखो नए प्लेयर्स हैं, थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। जिस दिन सेट होंगे, जिस मैच में सेट होंगे, उसके बाद वो काफ़ी परफॉर्म अच्छा करके दिखाएंगे, चाहे उससे सेकेंड रेडर हो, थर्ड रेडर हो, या मेरा डिफेंसिव सपोर्ट हो, वो मिलेगा मुझे डेफिनेटली। एंड प्रदीप भाई, वैसे तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, आज की शाम हाई फ्लायर या रिकॉर्ड ब्रेकर, आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा वॉर ऑफ स्टार्स में? अभी बताऊं या बाद में बतानी पड़ेगी? ऑल द वेरी बेस्ट पवन, गुड लक, थैंक यू सो मच।